नमस्कार। बिहार की राजनीति में इस वक्त एक नई खिचड़ी पक रही है। ये खिचड़ी क्या है, हम आपको यही समझाएंगे इस वीडियो में। दरअसल आप सबको बताएं कि शहाबुद्दीन का निधन हो चुका है, लेकिन उसके बाद उनके बेटे ओसामा साहब वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव हैं, और इसी वजह से आप जब देखेंगे कि वो लगातार विकल्प तलाश रहे हैं, क्योंकि आरजेडी के आलाकमान से वो बहुत नाराज़ थे। हुआ ये था कि जब शहाबुद्दीन का अंतिम संस्कार, या यूँ कह लें कि जब उनके मिट्टी की रस्म अदायगी चल रही थी दिल्ली में, तब आरजेडी की तरफ से या आलाकमान की तरफ से कोई भी शख्स उन्हें मिट्टी सौंपने के लिए नहीं पहुंचा दिल्ली। इसी बात को लेकर ओसामा साहब बहुत नाराज़ थे, और यहां तक कि शहाबुद्दीन के बारे में किसी ने कुछ बोला भी नहीं, जिसकी वजह से वो बहुत नाराज़ हो गए। हमने सबसे पहले देखा था कि पप्पू यादव जो कि शहाबुद्दीन के घर पहुंचे, ओसामा साहब से कई घंटों तक उन्होंने बातचीत की, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि ओसामा साहब और ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी का एक बड़ा गठबंधन होने जा रहा है। हम ये क्यों कह रहे हैं, जो सूत्र बता रहे हैं उसके आधार पर हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। खबर क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। खबर ये है कि मानसून सेशन से पहले, यानी बिहार में जब मानसून सत्र की शुरुआत होगी, उससे पहले ही एक बड़ा पॉलिटिकल गठबंधन आपको नजर आ जाएगा। वो गठबंधन क्या हो सकता है, उस असदुद्दीन ओवैसी यानी AIMIM के 5 विधायक कल ही ओसामा साहब के घर पर गए, ओसामा साहब से घंटों मुलाकात हुई, और इसके बाद कयास लगने शुरू हो गए कि ओसामा साहब किधर जाएंगे, मतलब हवा का रुख किस तरफ होगा। अब खबर ये आ रही है कि ओसामा साहब ने एक तरीके से असदुद्दीन ओवैसी से हाथ मिला लिया है। इसका सीधा मतलब है कि आरजेडी को बहुत बड़ा झटका, इसका सीधा एक और मतलब निकल रहा है कि पप्पू यादव के लिए भी बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि पप्पू यादव लगातार एक्टिव थे इस बात को लेकर कि उनकी जो पार्टी है जाप यानी जनाधिकार पार्टी, उसमें शामिल हो जाएं ओसामा साहब, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि करीब घंटों 5 घंटे तक पप्पू यादव ओसामा साहब से मिले थे उनके घर पर जाकर। उसके बाद हमने देखा तेज प्रताप यादव भी गए ओसामा साहब को मनाने के लिए, कहा जा रहा है कि डैमेज कंट्रोल के लिए गए थे, लेकिन अब खबर आ रही है और सूत्र बता रहे हैं कि गठबंधन एक तरीके से फाइनल हो चुका है। ओसामा साहब असदुद्दीन ओवैसी के नए दूत बन सकते हैं बिहार में, और इसी वजह से जो 5 AIMIM के विधायक थे उन्होंने कल ही जाकर ओसामा साहब से घर पर मुलाकात की, और उसके बाद एक नया राजनीतिक परिवर्तन, या यूं कह लें कि सुगबुगाहट बिहार में नजर आने लगी है।